हेलो डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन। ओके, व्हाट इज ए हाइड्रोकार्बन। अ हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोजन, दे मे आल्सो कंटेन सम अदर एटम इन ट्रेस। मीन्स जो हाइड्रोकार्बन होता है वो एक ऐसा कंपाउंड होता है, हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। किसका कंपाउंड होता है ये? कार्बन और हाइड्रोजन। ये हाइड्रोकार्बन में जनरली क्या होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन में क्या होता है? ये कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन दे में आल्सो कंटेन सम अदर एटम, कुछ अदर एटम भी होते हैं। एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, सल्फर के साथ, एक्सेट्रा, और भी किसी एटम के साथ भी जो है रह सकते हैं, बट जनरली जो ये हाइड्रोजन और कार्बन ही रहते हैं। ओके, जैसे हाइड्रोकार्बन, जैसे आपने देखा होगा CH4। कार्बन यहाँ क्या है? कार्बन के साथ क्या होता है? हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, और इसको स्टेबल करने के लिए ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन के साथ जो है शेयर कर रहे हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे ये कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो गया? CH4 क्या ये हाइड्रोकार्बन। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में क्या होता है? एल्केन, A-L-K-A-N। सैचुरेटेड में क्या होता है? एल्केन आता है, और अनसैचुरेटेड में क्या आता है? एल्कीन आता है। एल्कीन अनसैचुरेटेड में क्या आता है? एल्कीन आता है, और क्या आता है अनसैचुरेटेड में? एल्काइन आता है, एल्काइन। ओके, तो एल्कीन किसके अंदर आता है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आएगा? एल्कीन आएगा, और अनसैचुरेटेड में क्या आता है? एल्कीन और एल्काइन, और इसमें क्या है? एन। यहाँ पे क्या है? एन। देखिए सैचुरेटेड एन, इसका सफिक्स क्या है? सफिक्स है एन, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? एन आर ए। और अनसैचुरेटेड का सफिक्स क्या है? मींस कैसे आप इसको पहचानोगे? जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा आप उसको कैसे पहचानोगे? उसके एंड में क्या रहेगा? इन रहेगा। क्या रहेगा? इन रहेगा। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा उसके एंड में क्या रहेगा? एन रहेगा, एन। ओके, और सैचुरेटेड कार्बन को आप कैसे पहचानोगे? उसके लास्ट में और क्या रहेगा? आयन। क्या रहेगा? आयन, आयन रहेगा। तो भी क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, और एन रहेगा तब भी वो क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, और एन रहेगा तो क्या है? वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पहचान है सैचुरेटेड कंपाउंड्स का? तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होगा तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड अगर हमें दिख रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो क्या हो गया? वो सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, अगर वो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो गया तो क्या हो गया? एल्कीन हो गया, एल्कीन, और क्या हो गया? वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। ये आप इस तरह से पहचान सकते हो। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर हमें जब भी डबल बॉन्ड मिला, इसका मतलब क्या है? ईन है, एल्कीन है, और क्या वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो क्या होगा? वो एल्काइन होगा। क्या होगा? एल्काइन। उसका सफिक्स क्या होगा? आइन। ओके, और क्या होगा? वो अनसैचुरेटेड ही होगा।
ओके। और इसका जो क्या होता है जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला सिचुएटेड हाइड्रोकार्बन मींस एल्केन, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। जनरल फार्मूला क्या होता है इसका CnH2n+2। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। इसको आप लर्न कर लीजिए, फार्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2। और एल्केन का फार्मूला क्या होता है CnH2n, CnH2n, CnH2n। ये किसका फार्मूला होता है, ये एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। क्या होता है ये CnH2n-2, ये इसका जो है फार्मूला होता है, ठीक है। CnH2n+2 एल्केन, CnH2n एल्कीन, और CnH2n-2 एल्काइन, ओके। और देखिए पहचान है इसको, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड होगा तो इसका सफिक्स क्या होगा एन होगा, और अल्काहल क्या होगा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड में अगर वो एल्कीन होगा, अनसैचुरेटेड में अगर एल्कीन होगा तो उसका सफिक्स क्या होगा एन होगा, और कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ डबल बॉन्डिंग होगा, ठीक है। और उसका जनरल फार्मूला क्या होगा CnH2n होगा। एल्काइन को कैसे हम पहचानेंगे, उसका सफिक्स जो होगा आयन होगा, और कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, और उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है CnH2n-2, CnH2n-2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये एन वेयर WHEN वेयर यानी इधर इसमें एन क्या है, सी का मतलब हो गया कार्बन, एच मतलब हाइड्रोजन, एन एन का मतलब एन इज द नंबर, वेयर एन इज द एन इक्वल टू क्या होता है एन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन, वेयर एन इज द, वेयर एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन, ओके। एन क्या है, जो एन है एन का मतलब क्या है, इस एन का मतलब क्या है, एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, एन क्या डिनोट करे कार्बन एटम, कितना कार्बन है किसी भी चेन में, किसी भी चेन में जो कार्बन और हाइड्रोजन, जो कार्बन और कार्बन का चेन है, ठीक है, चाहे सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, उसमें कितने कार्बन एटम है, कितने कार्बन एटम है वो डिनोटेड करता है एन, एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए चेन, ओके। अब हम उसके बाद बात करेंगे एल्केन्स, फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम एल्केन्स, एल्केन्स के बारे में रीड करेंगे, उसके बाद एल्कीन एंड उसके बाद फिर एल्काइन, ओके। फर्स्ट एल्केन फार्मूला आपको सब लर्न कर लीजिएगा फार्मूला, ओके। एल्केन एल्केन की पहचान क्या क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा, एल्केन्स में क्या होगा कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा, और इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स क्या होगा एन, इसके लास्ट में क्या आएगा एन आएगा, इसका सफिक्स क्या होगा एन आएगा, और कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होगा, CnH2n+2, ओके। और एन एन ऑफ कार्बन एटम इन चेन, अभी आपको बताया एन वेयर एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन, ओके। वर्ड रूट आपको कुछ वर्ड रूट आपको याद करना है, वर्ड रूट जैसे अगर एन इक्वल टू 1 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होगा, एन अगर 1 होगा क्या बोलेंगे नंबर ऑफ कार्बन, तो देन एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 5, ओके, एन इक्वल टू 6। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन इज 1, अगर 1 कार्बन होगा तो उसके लिए क्या बोलते हैं मेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेथ, 1 कार्बन
मेथ फॉर वन कार्बन, मींस वन कार्बन होगा तो उसके लिए क्या होता है मेथ होता है, टू कार्बन, अगर टू कार्बन होगा तो उसके लिए क्या होगा एथ होगा, ई एथ एथ, और थ्री कार्बन होगा तो उसके लिए क्या होगा मेथ एथ प्रो, थ्री कार्बन होगा तो उसके लिए क्या होगा प्रो पी आर ओ पी प्रो, और फोर कार्बन होगा तो उसके लिए क्या होगा ब्यूट मेथ एथ प्रो ब्यूट बी यू टी बी यू टी, और फाइव कार्बन होगा तो उसके लिए क्या होगा पेन, सिक्स कार्बन होगा तो उसके लिए क्या होता है एक्स ओके, और यन स्कॉर्पियो अगर सेवन होगा तो उसके लिए क्या होगा मेथ एथ प्रो ब्यूट पेन एक्स हेप्ट, सेवन होता है उसके लिए क्या होता है हेप्ट होता है हेप्ट हेप्ट ओके सेवन हेप्ट, और यन स्कॉर्पियो एट मेथ एथ प्रो ब्यूट पेन एक्स हेप्ट हेप्ट मतलब क्या ऑक्ट ओके, नंबर ऑफ कार्बन इज एट देन ऑक्ट, और यन स्कॉर्पियो नाइन नॉन एन एन इक्वल टू टेन इज डेक ओके डेक मेक एच प्रो ब्यूट पेन हेक्स हेप्ट और नॉन डेक, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर वन कार्बन होगा तो उसके लिए मेथ बोलेंगे, टू कार्बन होगा तो उसके लिए एथ बोलेंगे, थ्री कार्बन होगा तो क्या हम बोलेंगे प्रो बोलेंगे, फोर कार्बन होगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे ब्यूट बोलेंगे, फाइव कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे पेंट बोलेंगे, ठीक है सिक्स कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हेक्स बोलेंगे, सेवन कार्बन होगा तो हेप्ट बोलेंगे, एट होगा तो ऑक्ट बोलेंगे, नाइन होगा तो नॉन बोलेंगे एंड टेन होगा तो डेक बोलेंगे। ये आप केमिस्ट्री में वन से लेकर टेन तक आप इसको ये काउंटिंग आप इसको लर्न कर लीजिए क्या वन रूल ये इसको आप लर्न कर लीजिए। अभी आप वन टू थ्री फोर फाइव जानते थे, मोनोडाइट ट्राइटेट्रा जानते थे, अब यहाँ पे ये इसको भी आप लर्न कर लीजिए, इसके आगे भी है बट अभी आपको टेन की जरूरत है, सिर्फ आप टेन तक ही अभी आप लर्न करिए मेथ एथ प्रो ब्यूट पेन हेक्स हेप्ट और नॉन टेक ओके, इसको आप लर्न कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पे अगर फर्स्ट फर्स्ट की बात हो रही है, जिसे फर्स्ट क्या होता है मेथेन, फर्स्ट क्या है मेथेन मे एन ई टी एच ए एन ई, ये क्या है मेथेन, मेथेन के लिए हम अब बात करेंगे मेथेन, मेथेन में क्या होगा है अब मेथ, अब यहाँ पे क्या पढ़ एन है मेथेन में टू वर्ड है एन और क्या है मेथ, और मेथ होगा जिसका मतलब ये क्या है वन कार्बन है यानी इक्वल टू वन मींस मेथ, वन कार्बन होगा तो क्या होगा मेथ होगा मेथ मतलब वन कार्बन और क्या एन, एन मतलब क्या है एन एल्केन, एल्केन में क्या होगा कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा लेकिन यहाँ कार्बन और कार्बन नहीं, यहाँ पे क्या कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन है और क्या हाइड्रोजन है और क्या हाइड्रोजन है ये क्या है ये हाइड्रोजन है, तो इसको जो स्टेबल करने के लिए कार्बन जो फोर हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है क्योंकि कार्बन की वैलेंस कितनी होती है फोर होते हैं और इसको फोर इलेक्ट्रॉन चाहिए जो इसको बैलेंस करने के लिए, तो फोर हाइड्रोजन के साथ मिलकर के बैलेंस करता है स्टेबल हो जाता है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन है कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और सभी मामले में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए एन और वन कार्बन होगा तो मेथ, तो क्या हो गया मेथ वन कार्बन मेथ और सिंगल बॉन्ड एन, क्या पढ़ा जाएगा इसको मेथेन, क्या पढ़ा जाएगा इसको मेथेन, इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं सी एच फोर सी एच फोर मतलब कार्बन वन है और हाइड्रोजन वन टू थ्री फोर, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे फोर है तो सी एच फोर मीन्स मेथेन मेथेन, तो सी एच फोर अब क्या है ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है ये सैचुरेटेड है और क्या है ये एल्केन, क्या है ये सी एच फोर क्या है एल्केन ओके। नेक्स्ट सेकेंड फर्स्ट हो गया मेथ, सेकेंड क्या है एथ, सेकेंड क्या है एथ ए टी एस ए यानी एथेन, सेकेंड है एथेन, अब एथेन में क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा टू होगा, नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा टू, दो कार्बन दो कार्बन, एन मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए यहाँ पे क्या है एन है, तो इसी इनके साथ क्या है हाइड्रोजन आप लगा दीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखिए यहाँ वन टू थ्री और एक यहाँ पहले से ही है इसके पास यहाँ पहले से इसलिए यहाँ पे नहीं लगे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये क्या हो गया एथेन हो गया,
एक एन, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और सी कितना है, टू, सी टू, कार्बन कितना है दो, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हो गया आपका एथेन। एथेन का स्ट्रक्चर बन गया, ये एथेन का स्ट्रक्चर हो गया, ये एथेन का स्ट्रक्चर हो गया। जनरल फार्मूला ऑफ द एथेन CH4, फार्मूला ऑफ द एथेन C2H6। अब आप इसको फार्मूले से आप चेक कर लीजिए, आपका राइट है रॉन्ग है, फार्मूला इसका क्या है, CnH2n+2। अब देखिए इसको आप चेक करिए, क्या यही आता है, कुछ और आता है, ठीक है। Cn, n कितना है, कार्बन कितना है यहाँ पे, 1 कार्बन, इसमें n, n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितना है इसमें, 1 कार्बन है, 1 कार्बन हमने राइट किया। फिर यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन कितना है, 1 कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना वहाँ पे, 2 हाइड्रोजन इंटू n कितना है, 1 और प्लस 2, तो कार्बन हो गया, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन कितना आ गया, हाइड्रोजन 2 1 2 1 कितना होगा, 2 टू वन जे टू और टू फोर, क्या हो गया, CH4 आया नहीं है, CH4 है, इसका मतलब ये आपका ये राइट है। इसी तरह से आप इसको भी चेक कर लीजिए, फार्मूला इसका क्या है, CnH2n+2, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, कार्बन कितना है, 2, n कितना है यहाँ पे, 1, 2, कार्बन कितना है, 2 है, और उसके बाद फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 फार्मूला है, 2 इसको राइट करोगे, उसके बाद फिर n, n इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है, उसके बाद फिर क्या है, प्लस 2 है, C2 कार्बन 2 हो गया, और हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 मिनट क्या रहा है, मतलब यहां पर हमने क्या राइट कर दिया, यहां पे 6 है, ये आपका ये नहीं होगा, 6 नहीं होगा, ये ना आपको राइट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन आपको राइट करना, नंबर ऑफ कार्बन यहां पे कितना है, 2, नंबर ऑफ कार्बन यहां पे कितना है, 2, 2 आप राइट किया, यहां पे कार्बन 2 हो गया, और हाइड्रोजन 2 2 4, 4 2 6, क्या आ गया यहां पे, C2H6, देखिए C2H6 क्या हो गया, ये एथेन हो गया, एथेन। इसी तरह से आप प्रोपेन का निकाल सकते हैं, देखिए प्रोपेन का भी आप देख सकते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ओके, बेगेन, आप सभी का जो है निकाल सकते हो। थर्ड क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रो, प्रोप एन, ओके, प्रॉप, प्रॉप होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 3 कार्बन होगा, तो कार्बन यहाँ पे आप 3 राइट कर दीजिए, 1 2 3, और क्या एन, एन क्या है, एन है तो क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में आप सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, और सभी के साथ क्या राइट कर दीजिए, हाइड्रोजन, 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 इस कार्बन की 4 होना चाहिए, 4 से 1 2 3 4, इसका भी 4 होना चाहिए, देखिए इसका भी कितना होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, ये देखिए 1 1 2 3 4, ओके। अब ये क्या बन गया आपका, प्रोपेन, सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन कितना यहाँ पे, 3 है, 3 कार्बन होगा तो उसके लिए क्या होगा, प्रोप हो गया, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए क्या होगा, एन होगा, तो क्या बन गया आपका, प्रोपेन बन गया, प्रोपेन, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया प्रोपेन का। इसको हम इस तरह से राइट करें, इसका फार्मूला क्या है, सी कितना है यहाँ पे, C3, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 8, C3H8, C3H8 होगा तो क्या होगा, ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। अब इसको हम फार्मूले से इसको वेरीफाई कर लीजिए, आपका राइट है या रॉन्ग है, तो फार्मूला इसका क्या होता है, जनरल फार्मूला ऑफ द एल्केन, CnH2n+2, CnH2n+2, तो CnH2n, Cn, n कितना है यहां पे, नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहां पे, 3 है, 3 कार्बन, उसके बाद एन इनटू n कितना है यहां पे, 3 कार्बन कितना है, 3 + 2, क्या हो जाएगा, कार्बन यहां पे 3, हाइड्रोजन 3 2 6, 6 और 2 8, 6 C3H8, ये आपका आ गया क्या, प्रोपेन आ गया, ये आपका प्रोपेन हो गया। इसी तरह से आप जो है ब्यूटेन का निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको बताइए तो कमेंट करिए। ब्यूटेन, B-U-T-A-N-E, ब्यूट, ब्यूट के लिए क्या होगा, ब्यूट,
प्योर के लिए क्या है, यानी इक्वल टू कितना, 4। इस कार्बन कितना होगा 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। और ए है तभी भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और सभी के साथ क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ये आपका हो गया ब्यूटेन। देखिए मेन एक प्रोब्यूट और क्या है सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन हो गया। इसको और क्या लिख सकते हैं, C4, और हाइड्रोजन यहां पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10, ये आपका क्या हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया किसका, ब्यूटेन का। इसको भी आप जनरल फार्मूला से निकाल लीजिए, C कितना है 4, यहां 4 आप राइट कर दीजिए, हाइड्रोजन कितना है 2 × N, N कितना है 4 + 2, क्या आ जाएगा कार्बन 2H4 × 2 = 10, जो हो गया CH4, तो इस तरह से आपका ब्यूटेन का निकल गया। उसी तरह से आपका पेंटेन भी निकल जाएगा, हेक्सेन का निकल जाएगा, और उसके बाद लास्ट एक और सेवन को मैं बता रहा हूँ आपको, हेप्टेन, एक सेवन को बता रहा हूँ हेप्टेन का, उसके बाद आप सभी का निकाल सकते हो एन का, ठीक है। टेंथ तक आप सभी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टेंथ तक आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एन इक्वल टू अगर सेवन होगा तो एन मिस कार्बन कितना होगा, सेवन होगा, सेवन कार्बन आप ऐड कर लीजिए, 1 तो 7 होगा तो उसके लिए क्या होगा 6, 7 होगा तो क्या पड़ेंगे हेप्ट पड़ेंगे, 7 होगा तो उसको क्या पड़ेंगे हेप्ट पड़ेंगे, हेप्ट 7 कार्बन आप राइट कर दीजिए, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 कार्बन यहां पे हो गए। और एन है, एन क्या है यहां पे, एन तो एन है इसका मतलब क्या हो, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आप लगा दीजिए, सिंगल बॉन्ड हो गया, और सभी कार्बन के साथ क्या हो गया यहां पे, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, इस तरह से आप हाइड्रोजन को लगा दीजिए, ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो गया हाइड्रोजन, ये फॉर्मूला क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ द हेप्टेन क्या बन गया, यहाँ पे कार्बन कितना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन 7 है, और हाइड्रोजन देख लीजिए कितना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 16 हाइड्रोजन, C7H16, ये हेप्टेन का फार्मूला हो गया। आप इस तरह से इसको निकाल सकते हो, तब जब आपको ये वर्ड बुक आपको लर्न रहेगा, मेथ एट को ड्यू पेंट हेक्स हेप ऑफ नॉन डे, मेथ होगा तो 1 कार्बन, एथ होगा तो 2 कार्बन, कोक होगा तो 3 कार्बन, ब्यूट होगा तो 4 कार्बन, पेंट होगा तो 5 कार्बन, हेक्स होगा तो 6 कार्बन, हेप होगा तो 7 कार्बन, आर्क होगा तो 8 कार्बन, नॉन होगा तो 9 कार्बन, डेक होगा तो 10 कार्बन। जब आपको ये लर्न रहेगा तब आप इसको जो है स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, तो आप पहले इसको आप लर्न कर लीजिए, ठीक है, और इसको आप चेक कर लीजिए फार्मूले से, फार्मूला यहाँ पर ऐड किया गया है, देखिए अगर ये आ जाएगा C7 या 16 इसका मतलब आपका राइट है, क्या है C N कितना है यहाँ पे 7, 7 ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन N कितना है वहाँ पे 7 और प्लस 2, देखिए C7H7 = 14 × 16, ये देखिए आया नहीं आया, ये आपका हो गया हेप्टेन हो गया। तो ये अभी आप आज हमने सीखा क्या, एल्केन, आज हमने क्या सीखा एल्केन, टॉपिक आपका क्या चला हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या कार्बन और हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है और क्या है अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड में क्या आता है एल्केन आता है, और अनसैचुरेटेड में क्या आता है एन और आयन, मींस एल्कीन और एल्काइन, तो एल्केन में आज हमने पढ़ा, एल्केन में जब हम पढ़ेंगे वर्ड रूट यही रहेगा आपका, मेथ ए प्रो ब्यूटेन हेक्स, वर्ड रूट आपको यही पढ़ना है, उसमें भी सिर्फ आपका क्या चेंज हो जाएगा, जो वहाँ पे सफिक्स है, यहाँ पे सफिक्स एन है, और वहाँ पे क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आइन हो जाएगा। तो यहाँ तक आप रिवाइज करिएगा, ठीक है, सिचुएटेड पॉइंट्स एल्केन तक आप जो है रिवाइज करिएगा, उसके बाद जो हम नेक्स्ट डे हम बात करेंगे एल्केन, ओके, तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।